दिल में अगर दुख हो, मन में अगर कष्ट हो और लगे कि आज दिल बड़ा दुखी है, तो किसी सदगुरु की शरण में जाकर बैठ जाओ। और अगर गुरु की शरण में भी जाकर नहीं बैठ सकते, तो जिस गुरु के मुख से आपने नित्य भगवान का स्मरण करा है, नित्य भगवान का जिसका स्मरण किया है, उस गुरु की शरण का स्मरण कर लीजिए। देखिए, जो बच्चे लोग होते हैं ना, गंगा के घाट के बड़े चतुर होते हैं, एक रस्सी में चुंबक को बांधते हैं, नदी में फेंकते हैं और गंगा के घाट में से जितनी चिल्लर होती है ना, खुला पैसा, उनको चिपका चिपका कर ले आते हैं। पर जो पैसा बहुत देर तक चुंबक से चिपका रहता है, वो पैसे में भी ऐसी चुंबक हो जाता है कि वो पैसा भी दूसरे पैसे को चिपका कर ले आता है। वो जो रुपया है, जो पैसा है, उसमें भी चुंबक का तत्व इकट्ठा हो जाता है, तो वो दूसरे को चिपका कर ले आता है। उसी तरह कोई सदगुरु, कोई संत, कोई साधक, कोई उपासक, कोई भगवान का भक्ति का स्मरण करने वाला, कोई भजन करने वाला, कोई कीर्तन करने वाला, कोई मंत्र जाप करने वाला, कोई नाम जाप करने वाला, कोई गुरु जिसने आपको भगवान के पावन चरणारविंद की ओर ले जाकर छोड़ा हो, उस गुरु का भी अगर आप एकांत में बैठकर स्मरण कर रहे हो, तो यही जाने कि शंकर की कुछ कृपा हुई है, कुछ दया हुई है।